जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में बिजी होंगे, माँ बाप के सपने को पूरे कर रहे होंगे। हम और आप फैमिली हैं, आप हमारे सपने को पूरे कर रहे होंगे। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों के पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इस मौके को ना गंवाएं, वो इसमें लग जाएं, ठीक है। क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। मुझे पता है बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने 2018 वाला SSC GD और UP पुलिस का एग्ज़ाम दिया होगा, किसी ना किसी कारणवश वो रह गए होंगे, ठीक है। मैं आपके किसी भी चीज़ पे डाउट्स नहीं उठा रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि गलतियों से हमें सीखना चाहिए। जो गलती की है इस बार वो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास है मेरी मैथ की क्लास, ठीक है, दशमलव एवं भिन्न। मैथ की क्लास में दशमलव एवं भिन्न बर्दी बैच, जैसा कि आपको पता है बर्दी बैच आप लोगों के लिए ही स्पेशल चलाया जा रहा है। मैं अपनी पूरी मेहनत, कोशिश, लगन के साथ जब मैं आपके लिए वर्दी बैच चला सकती हूँ, तो बस आप जो 60% या 70% पढ़ाई कर रहे हैं उसे और परसेंट बढ़ाइए, 80 या 90 तक जाइए। और अगर आप जो भी सब कुछ पढ़ते हैं उसके बाद हर चीज़ का रिवीजन कीजिए, तब आपकी पढ़ाई एकदम परफेक्ट है, ठीक है। मैथ की क्लास है, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, हर चीज़ हमारे दिमाग में होगी। ऐसा तो नहीं है कि बिना पढ़े सब कुछ आता है, बिना पढ़े कुछ नहीं आता। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ पढ़ लें तो हम पे कुछ नहीं आता, हम ऐसे भी ठस्सी दिमाग के नहीं हैं। तो बस कुछ नहीं, यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैप्टर आपका 3 है। पहले मैं नंबर सिस्टम कराया था, संज्ञा पद्धति, दूसरे में LCM और HCF कराया था, लासा व मासा, और तीसरा चैप्टर है आपका दशमलव एवं भिन्न। पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से आपको समझा पाऊँ, बस समझ जाइए। टाइप एक है, जोड़ व घटाए वाले दशमलव सीखेंगे हम, ठीक है। SSC GD और UP पुलिस के लिए वर्दी बैच है ये, ठीक। क्वेश्चन एक कह रहा है, ये पूरी संख्या दे दी गई है, फिलहाल तो ये जोड़ वाली, देखो प्लस 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 जोड़ वाली है ना, तो जोड़ वाली है तो जोड़ लीजिए, जोड़ वाले दशमलव है, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, 7.732 आपने ये वाला ले लिया, अब आप क्या करोगे, 3। अब आप कहोगे यहाँ तो पॉइंट नहीं है, पॉइंट है ही नहीं हमारा यहाँ पे, क्यों नहीं है पॉइंट, थोड़ा समझ लेंगे तो पॉइंट मिलेगा आपको। देखिए अगर एक है, ठीक है, एक है, एक के पीछे पॉइंट लगा दें, देखो पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रहता है, ठीक है, इस वाली कंडीशन में, कैसे समझ जाइए। अब पॉइंट हटाते हैं तो एक जीरो बढ़ा ली, जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा, एक बचा। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस 3 के बाद पॉइंट नहीं है, 3 के बाद पॉइंट है। अब इस 3 को यहाँ रख लीजिए, रख लिया आपने, अब आपको पॉइंट में कितने भी जीरो बढ़ा लो, 1, 2, 3 कितने भी का मतलब इस संख्या के अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हो। और यहाँ कोई पॉइंट नहीं था इसीलिए ये कंडीशन मैंने आपको बताई है। अब जैसे मैंने 3.123 ले लिया, ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि इसका मान 3 कैसे आएगा। देखिए 3.123 ले लिया मैंने, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो बढ़ जाती है ना, कितनी बढ़ेंगी, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, क्या बचा, 3। यही तो कंडीशन आपको समझाना चाह रही हूँ, तो मैं ऐसे भी इसे लिख सकती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस अब हम अपना क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए 4.169, ठीक है, 4 पॉइंट। अब ये कंडीशन भी आपको पॉइंट के अकॉर्डिंग लेके चलनी है, ये नहीं कि आपने 169 यहाँ रख दिया, 4 पॉइंट यहाँ रख दिया, बिल्कुल नहीं, हर कंडीशन के हिसाब से हमें चलना है। अब आपका क्या हुआ, ये लिख लिए 4.169, अब हमें लिखना है 1.03, समझ में आई कंडीशन।
अगर आप यहाँ भी अगर कोई जीरो बढ़ा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद वैसे भी जीरो का कोई महत्व नहीं होता। अब ये वाली जीरो का महत्व है पॉइंट के बाद, क्योंकि इसके पीछे संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर कोई भी अंक हो जीरो को छोड़कर तो उसका महत्व होता है। अगर यहीं आपका जीरो होता तो कोई महत्व नहीं होता। कंडीशन समझ आई? बस यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़ना तो आप सभी लोगों को आता है ना। बस क्या करना है, 9 और 2 11 है, हाँ सुलेख एक बचा, 9 और 3 कितने हो गए, सॉरी 6 और 3 9, 9 और 1 10 और 1 3 13, हाँ सुलेख 7 8 9, हासिल कोई नहीं है, ठीक है 10 15 हो गए 15। अब आपको क्या करना है कि हम पॉइंट कैसे लगाएं, ये क्वेश्चन तो दिमाग में हद से ज़्यादा रहता है ना, तो बस इस क्वेश्चंस के डाउट को अभी हम एकदम क्लियर करेंगे। पॉइंट आपको लगाना है कहाँ से, ये देख लीजिए, ये जो संख्या है ना, यहाँ से आपको पीछे से पॉइंट लगाना है। देखिए 1 2 3 तीन अंक बाद है ना, ऐसे ही 1 2 3 15.931 इसका हो गया आंसर। अब हमारा क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मतलब किलोग्राम ग्राम में दिया हुआ है ना, तो बस कुछ नहीं 5 किलोग्राम 10 ग्राम। एक बार इस क्वेश्चन को आप भी अच्छे से देख लीजिए, प्लस में दिया हुआ है, किलोग्राम में दिया हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए, हम किलोग्राम से ग्राम अच्छे से बना सकते हैं ना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, और 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। तो बट्टे वाली संख्या को रहन दो, हम भाई गुणा करके बनाएंगे ग्राम में, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें, तन से पढ़ें, यही बताना चाहती हूँ बस, ठीक है। कुछ नहीं, 5 × 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब मैंने आपको ये कंडीशन बताई है, 5 किलोग्राम 10 ग्राम, अगर कभी भी ऐसी कंडीशन दे तो आपको कुछ नहीं, प्लस में 10 ग्राम रख लीजिए। अभी पूरी कंडीशन आपकी ग्राम में हो गई ना, यही तो समझाना चाहती हूँ आपको। बस कुछ नहीं, 5010 कितना हो गया, 5010, समझ आया आपको। ऐसे ही इसका निकाल लो, 6.5 × इसका मैं यहीं पर निकाल लेती हूँ, तो इसका हो गया 6500। खुद करोगे समझ आ जाएगा कैसे, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो बढ़ाओ, जीरो से जीरो कट गई, 6500, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिर्फ 1000 का गुणा किया है। अब आप 3 किलोग्राम और 5 ग्राम का करोगे तो कैसे करोगे, 3 × 1000 + 5 ऐसी तो करोगे, तो 3000 कितना हो गया, 5 जोड़कर। अब इन सबको जोड़ना है हमें, इसको जोड़िए 6500 में, इसे जोड़िए। अब ये पूरी कंडीशन आपकी ग्राम में चल रही है, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन अपना ग्राम में चेंज किया है, ठीक है। बस कुछ नहीं, सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि भाई सब में जुड़वा रहा है ये, है ना। बस 5 1 5, अब ये हो गया आपका 11 और 3 14। अब आप क्या करोगे, ये ग्राम में हमारा क्वेश्चन भाई किलोग्राम में दे रखा है, तो बस अभी आपको बताया ना कि अगर किलोग्राम में हमें करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे, 1000 का भाग दे दो इसमें, 1 2 3 1 2 3, इधर पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 14.515, इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ये किलोग्राम में। समझ आया आपको, एक बार क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। अब हमें क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं ये कंडीशन आपकी माइनस की है, ये कंडीशन आपकी प्लस की है, मतलब प्लस और माइनस दोनों कंडीशन आ गई हैं दशमलव में। अभी तक प्लस की पढ़ रहे थे, है ना, तो बस कुछ नहीं, प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, माइनस वालों को घटा दो, क्या करना है। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो कंडीशन है ये प्लस में है माइनस में है, अगर ये माइनस में होती तो इधर माइनस लगा होता, लेकिन अगर प्लस में होती है तो यहाँ प्लस नहीं लगा होता। आप खुद ही समझ जाइए कि ये प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में ना 5.6329, समझ आ गया हमें।
और देखिए प्लस लगा है ना, समझ गए आप कि ये प्लस में है, 5 3, समझ आया। अब आप मुझे ये बताइए, इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4, समझ आया। और यहाँ कितने हैं, 1 2, तो बताया था ना, और यहाँ पॉइंट है, तो हमें कितने की ज़रूरत पड़ रही है, दो दो जीरो की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो ऐसे कर लीजिए, कितना हो गया, 1 2 3 4 और 6 पॉइंट, तो 6.5300, समझ आया आपको। यही कंडीशन समझाने वाली थी मैं अभी, लेकिन कोई नहीं, इस क्वेश्चन में हमने समझा दिया। अब ये माइनस का है, तो पहले हम प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, माइनस वाले को बाद में घटा देंगे। कुछ नहीं, जोड़ा हमने तो ये आ गया। अब ये पॉइंट मैंने यहाँ क्यों लगाया, देखो गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ आया, यही तो समझाना चाहती हूँ। अब कुछ नहीं है, ये पूरी कंडीशन आपकी निकल आई है, निकल आई ना। अब इसे हमें घटाना है, क्योंकि ये कंडीशन आपकी दी हुई है माइनस में, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। एक पॉइंट, और इधर कितने हैं, 1 2, आपको डर लग रहा है ना, मत डरिए, प्यार से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लगन से पढ़िए। देखिए 1 पॉइंट, तो इसे आप यहाँ से रखिए, क्योंकि पॉइंट के हिसाब से, पॉइंट के नीचे ही हमें पॉइंट लेना है, ये नहीं यहाँ लिख दिया 1 पॉइंट लगा दिया 2 के नीचे, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन हो जाएगा गलत, आपका गलत भी क्वेश्चन होगा और नेगेटिव भी कटेगी SSC GD में और UP पुलिस में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1.32, जीरो लगाना चाहे तो लगा लो, वैसे कोई ज़रूरत तो है नहीं, बस कुछ नहीं, घटा दो, 9 में से 0 गए तो 9 2 4 घटाना है, ठीक है। 1 में से 3 जा रहा है, नहीं जा रहा, एक हासुल ले लो, कैरी ले लो, 11 हो गए, 11 में से 3 गए तो 8, अब आपने एक कैरी यहाँ दी, तो यहाँ 0 और यहाँ 1, तो आपका यह है 10.8429, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। मुझे बिल्कुल उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब आप देख पा रहे हैं टाइप 2 और टाइप 3, टाइप 2 में गुणा वाले दशमलव पढ़ेंगे और टाइप 3 में पढ़ेंगे भाग वाले दशमलव, कुछ भी असंभव नहीं है, पढ़ेंगे तो आएगा दिमाग में, ठीक है। बस क्वेश्चन एक क्या कह रहा है, गुणा वाले दशमलव में के एक संख्या दे दी है 0.4 × 0.3, ये संख्या दी हुई है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, गुणा करना तो आता है ना, 4 × 12। अब आपको ये देखना है पॉइंट कितने हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, पीछे से हमेशा पॉइंट लगता है, ठीक है, 1 2, यहाँ पॉइंट आपने लगा दिया, ये आपका हो गया आंसर, समझ आया। बस कुछ नहीं है, ऐसे इसमें कर लो, 4 × 2 = 8, कितने पॉइंट है, 1 2, तो आप कंफ्यूज हो गए कि संख्या तो एक दी हुई है ना, कंफ्यूज हो गए ना। 0 0 एक ऐसी संख्या है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, तो 0 आप यहाँ लगा दो, अगर आप इसके पीछे लगाओगे तो 0 का कोई महत्व नहीं होता पॉइंट के बाद, लेकिन अगर कोई संख्या के आगे 0 हो तो उसका महत्व होता है, यही तो बताया था मैंने आपको, बस इसी को समझिए ऐसे। तो ये आपका आंसर हो गया। अभी आप सोच रहे होंगे हम ऐसे लगा दें मैम, इसका तो भाई कोई महत्व नहीं होगा, देखो पॉइंट हटाओ, 1 0 से 1 कट गई, तो कितना बचा है यहाँ, 8, अगर आप इसका पॉइंट लगाओगे तो 0.8, तो इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है, यही तो समझाना चाहती हूँ, समझ गए। मुझे लग रहा है आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि अगर पॉइंट के बाद 0 है, किसी भी संख्या के पीछे 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, अगर किसी संख्या के आगे 0 है तो उसका महत्व होता है। अब आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और आपके दिमाग में भी आ जाएगा। गुणा करवा रहा है, सबके गुणा कर दो आप, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, 81 × 3 = 243, 243, 1 2, दो जीरो भी लग रही हैं, ठीक है, जीरो लेके चलनी है अभी। अब पॉइंट वाली कंडीशन कहाँ पे बन रही है, 1 2, दो पॉइंट हो गए यहाँ, 3 4 5 और 6, ठीक है, 6,
अब आपको ऐसी पॉइंट यहाँ लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझ आया? तो ये क्या हो जाएगा, 0.243 इसका एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन इस पॉइंट के बाद इन दोनों जीरो का कोई महत्व नहीं है, यही आपको समझाना चाहती हूँ। अब भाग वाले दशमलव करेंगे, बहुत ही सिंपल हैं। अब अभी हमने गुणा वाला किया, अब भाग वाला करेंगे। भाग में आप संख्याओं का भाग दीजिए, देखो एक अंक के बाद पॉइंट है ना, एक अंक के बाद पॉइंट है आपका, एक अंक के बाद पॉइंट है, तो बस कुछ नहीं पॉइंट हटा दीजिए, 18 * 3 = 54, इसका 3 आंसर एकदम करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, 5/10 दिया है इसमें, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक के पीछे 0, 0, 0 हो तो आपको क्या करना है, 5, 1, 0 है तो एक अंक के बाद पॉइंट, तो यही आपका आंसर है। अब हमारा ये क्वेश्चन दिया है 3.5 / भाग का मतलब ये भी होता है ना, ये भाग का चिन्ह है, बट्टा यहाँ पॉइंट लगाए, ठीक है, ये क्वेश्चन में पॉइंट लगाना भूल गई थी मैं, 0.0007। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस पॉइंटों का खेल है, एक अंक बाद है ना पॉइंट, तो एक जीरो, एक के बाद जीरो, ठीक है, ऊपर की पॉइंट्स मैंने यहाँ ले ली, अब नीचे वाले पॉइंट्स ऊपर चले जाएंगे, 1, 2, 3, 4, चार मैंने जीरो यहाँ ले लिए, 1, 0 से 1, 0 कट गया। अब ये वाले जीरो का कोई महत्व नहीं है, अगर आप पॉइंट लगा देते हैं तो सिर्फ जो संख्या है वही संख्या रह जाती है, ठीक है, 7 × 5 = 35, कितना बचा, 5 × 1000, 5 × 1000 में करना है तो 5000 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन वगैरह सब अच्छे तरीके से समझ आई हो। अब आप टाइप 4 में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 देखिए, कितने बड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप सोच रहे हैं क्यों ना इनका गुणा किया जाए, ठीक है, तो मैं कह रही हूँ क्यों किया जाए, अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है पेपर में तो उन्होंने भी कुछ सोच के आपको क्वेश्चन दिया है कि इसमें कुछ तो लॉजिक लगेगा, तो वही मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है तो कुछ तो लॉजिक लगेगा, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे जो इन दोनों का गुणा कर रहे होंगे, इनका भी गुणा कर रहे होंगे, फिर जोड़ रहे होंगे, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स मतलब इसी में शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, शॉर्ट ट्रिक वैसे जो लॉन्ग ट्रिक होती है ना वहीं से आपकी शॉर्ट ट्रिक आती है, तो बस कुछ नहीं, आप मुझे ये बताइए, एक तो ये पूरी संख्या है फिर तभी तो प्लस लग रहा है, एक ये पूरी संख्या है गुणा में तभी तो प्लस है, उससे पहले बस देखिए 0.351 इसे कॉमन ले लूँ मैं, अब आपका बचा गया 0.67 + 0.133, अब इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ना वगैरह तो आसान होता है लेकिन इन दोनों का गुणा करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसका गुणा उसका गुणा फिर जोड़ना, तो बस कुछ नहीं, कुछ नहीं है, क्या करेंगे जोड़ लो आप इन्हें, तो जोड़ के हो रहा है 9, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये कंडीशन आ रही है। क्या मैंने आपको ये नहीं समझाया कि अगर पॉइंट के बाद जीरो हो तो कोई महत्व नहीं होता जीरो का, तो ये कंडीशन आपकी एक की कंडीशन है, ठीक है, तो अब आपका ये तो है ही है 0.351 × 1, ये वाली कंडीशन आपकी एक आई है, तो इसका जो आंसर है 0.351 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अब आप क्वेश्चन 2 को समझिए, देख लीजिए कुछ तो कॉमन होगा ही, क्या कॉमन है, ये और ये कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे हमेशा बाहर निकाल लो, ठीक है, अगर कोई संख्या गुणा में दी गई है फिर प्लस या माइनस लग रहा है तो संख्या बाहर निकाल लीजिए आप, 16.035 - 6.035, ये कंडीशन दी हुई है, इसमें से इसको घटाना है हमें, तो घटा के क्या बचेगा, 0, 0, 0, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है लेकिन पॉइंट से पहले जीरो का महत्व है, ये बताया था ना, 10 बचा है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इसका भी तो गुणा करना है भाई, गुणा में ही तो संख्या है ये अपनी, जब आप ऐसे करोगे तो ये कंडीशन आपकी
क्या आएगी, ये आएगी ना 1 2 3, 3 अंक के बाद 0 है, ठीक है। तो 1 2 3, आप 0 यहाँ लगाएंगे, लेकिन पॉइंट के बाद ये 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो इसका आंसर आपका ये है, एकदम करेक्ट। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि उन्हें भी पता लगे कि वर्दी बैच चल रहा है, फ्री में चल रहा है, ठीक है। और आपको भी पता है बैचेस वगैरह काफ़ी महंगे भी हो गए हैं, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी चीज़ को ख़रीदो या ना ख़रीदो, लेकिन पढ़ाई करो। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इतना सारा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही कहना चाहती हूँ। जय हिंद।